This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KVN University, Newson Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbu Lighting and Furniture, and by Smart Super Bazaar. हम हर एक की इज्जत करते हैं, हर एक का सम्मान करते हैं। जो हालात हैं वो सारे लोग उसको अपनी जबान से कह भी रहे हैं, पर हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम इन हालात को बदलना चाहते हैं, इन हालात में बदलाव चाहते हैं। आप 2019 से पुकार रहे हैं कि हमारे शहर में अब कुछ नहीं सही है, सब कुछ बिगड़ा हुआ है, नीचे से लेकर ऊपर तक कहीं पर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। वोट हमारा है, ताकत हमारी है, वोट का पावर हमारा है। दूसरी जबान में खाना हमारा है, दस्तरखान हमारा है, लेकिन मोहताज है हम दूसरों की इजाजत के खाने के लिए। दस्तरखान हमारा है, खाना भी हमारा है, लेकिन खाने के लिए हम मोहताज हैं। कोई इजाजत देगा तो खाएंगे क्यों भाई? जब वोट का पावर हमारा है और हम अपने पावर का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारे कायदीन जो आए हुए हैं आपसे यही दरखास्त लेकर आए हैं कि आप मजलिस के परचम तले इकट्ठा होकर के अपनी आवाज खुद बने, अपनी ताकत खुद बने, और आप एक ताकत हैं, उस ताकत का इस्तेमाल करें। किसी की हम किसी के मोहताज नहीं है, हम किसी के गुलाम नहीं है। हमको अल्लाह ने आजाद पैदा किया है, हम आजाद हैं, मुल्क भी आजाद है, और हमको अख्तियार है कि जहां हमको हमारा हक आजादी के साथ मिलेगा, हम उस प्लेटफॉर्म के तले आएंगे, उस परचम के तले आएंगे, उस झंडे के तले आएंगे, और उन लीडरान को अपना लीडर करार देंगे। आज के कायदीन आपको यही पैगाम देने आए हैं। उठाकर आगे बढ़ने की जरूरत है और दुनिया को पैगाम देने की जरूरत है कि हम रोने वाले नहीं हैं, हम धोने वाले नहीं हैं, हम काम से ताल्लुक रखते हैं। और अल्लाह ने आपको एक लीडर दिया है अलहाज इलियास सेठ साहब की शक्ल में, कि अलहाज इलियास सेठ साहब आज MLA नहीं है, MP नहीं है, कोई उनको पावर नहीं है, लेकिन आज से आप 20 साल पहले की तारीख उनकी देखिए, 20 साल पहले की तारीख देखिए, चाहे उनके खाली बौली का मकान हो, चाहे या इस्लामाबाद का मकान हो, अब चाहे हुसैन गार्डन में रह रहे वहां का मकान हो, हमेशा सैकड़ों लोग आपके पास आकर के अपने मसाइल को हल करवाते रहे और आज भी आ रहे हैं। तो मैं कहता हूँ आप उनको एक दावत दीजिए, मजलिस के परचम तले, किसी को रोने की भोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गया मैं आप तमाम से एक दो बात बताता चलूं, क्योंकि आज आने वाले कर्नाटक को गुलबर्गा शहर में बल्दिया का इलेक्शन आने जा रहा है, जिसके बाद चंद दिन में जो कर्नाटक रियासत के जो हालात, जो हुकूमत के हालात बनते जा रहे हैं, मैं समझता हूं अन करीब 7-8 महीने के अंदर यहां कर्नाटक का MLA का भी इलेक्शन आने जाएगा। मगर मैं आप तमाम से यही कहना चाहता हूं, जो मौजूदा हालात है गुलबर्गा म्यूनसिपल के, आप तमाम बावाकिफ है, और यहां के जो जिम्मेदार थे, जो साबिका यहां के जो वजीर थे, जो साबिका यहां के जो MLA थे, यहां के जो साबिका MP थे, उन तमाम से आप वाकिफ है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, आज के नौजवान को मेरी जमात व आपके जमात के ताल्लुक से वाकिफ नहीं। मैं आप तमाम से यही कहना चाहता हूं, मजलिस तासमीन एक ऐसी जमात है हिंदुस्तान के अंदर, आप देखते होंगे जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर 35 से 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान होते हैं, मगर वो 30 से 35 40 MPs के पास बात करने के लिए जबान नहीं। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर कोई बात करती जमात तो आपकी जमात मेरी जमात के सदर मुहतरम बात करते हैं। हिंदुस्तान में हैदराबाद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर जाते हैं, मगर हैदराबाद के शहर हैदराबाद के मुसलमानों के लिए नहीं। हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम मुसलमानों के ताल्लुक से, हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम दलितों के बाद कोई बात करती है तो आपकी जमात मेरी जमात के सदर मोहतरम बात करते हैं।
हिंदुस्तान के अंदर कौन से भी स्टेट के अंदर यह फसाद होता है, हिंदुस्तान के अंदर कहीं पर भी मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है, वहां पर पहुंचने वाली कोई जमात है वो कोई जमात के सदर है, तो आपकी जमात मेरी जमात के सदर मोहतरम पहुंचते हैं। सादरी ने कहा तुलिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंतकामी मुहिम के जिम्मे में आपके सामने हम मौजूद हैं और ये बताना चाहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज 63 वर्षों से हैदराबाद में अपने तारीखी खिदमत का एक रिकॉर्ड कायम कर चुकी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तन्हा इलेक्शन में हिस्सा लेती आ रही है, आज तक तारीख है, हम किसी बेशाकी का हमको सहारा नहीं मिला ना हमको जरूरत सहारे की, हम किसी की ताईद के बगैर इलेक्शन लड़ते हैं और हमेशा कामयाबी से हम किनार होते हैं, ये अल्लाह का करम सरकार का सत्ता है। 63 साल से हम किसी का सहारा नहीं लिए, किसी की ताईद नहीं लिए, हम सिर्फ सहारा लेते हैं तो परवरदिगार का लेते हैं और उसी के कर्म से उसी की न्याय से हमको कामयाबी मिलती है। और दूसरी वजह यह है कि हम आवाम के दरमियान रहकर काम करते हैं, दिन रात उनके दुख दर्द में, उनके खुशी में, उनके गम में हम शरीक हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि आज इतने सालों से मजलिस के एमएलओं की तादाद में इजाफा होता जा रहा है लेकिन इनके हलकों से इनको कोई हरा नहीं सकता, इस वास्ते हरा नहीं सकता कि हम वहां काम करके लोगों के दिलों में अपनी जमात का मुकाम बना चुके और किसी में जरूरत नहीं है कि हमारे खिलाफ आके यहाँ पर मुकाबला करे, जो भी आता है जमानत जब्त करके जाता है, ये अल्लाह का करम है, आप लोगों की दुआओं का नतीजा है। हाँ, सरव सामानी के आलम में हजरत फख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद अबिदी साहब ने जमात को दोबारा आगाज किया और 11 महीने जेल में रहे लेकिन उनके पास इस्तेकामत में लबिश नहीं आई, हुकूमत मजबूर होकर उनको रिहा करी। फिर सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने 22 साल असेंबली में रहे बिला नागा कामयाब होते रहे, 20 साल पार्लियामेंट में रहे और उसके बाद नकीब मिल्लत बारिश असदुद्दीन अयूबी साहब रुकने पार्लियामेंट बने। तो 7 साल से हमारे हलकों में चाहे वो एमएलए का हलका हो या एमपी का, कोई आके हमको हमें जुम्बिश पैदा नहीं कर सकता, इसलिए कि हम काम करते। पार्लियामेंट में भी जब मुसलमानों के खिलाफ कोई बात आती है तो बेबाकी के साथ में मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए हर वो चीज को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तो ये AIMIM क्या है? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो अल्लाह ताला भी यही चाहता है कि मुसलमान क्या हो, इत्तेहाद में आ जाए, क्या हो, इत्तेहाद में आ जाए, क्योंकि बड़े कहते हैं कि इत्तेहाद जिंदगी और इख्तिलाफ मौत है। तो जब यहाँ पर पार्टी नहीं आई हुई है और शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे कि तकरीबन जो है ना पार्टी के बारे में क्या क्या मामला है, लेकिन सब लोग ये जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी कौन है और क्या चीज़ है। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में तवज्जो के साथ आखिर तक बैठकर सुने कि क्या क्या मामला होने वाले हैं। अब यहाँ पर आने वाले वक्त में सिटी कॉरपोरेशन इलेक्शन भी होगा, फिर उसके बाद में जो है ना यहाँ पे एक कोई नुमाइंदा भी उतरेगा, फिर आप लोग उसको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह जीत कर दिया जाएगा, और उसके बाद फिर जो है असेंबली इलेक्शन आएंगे। इलियास बागवान, आप इनसे बखूबी वाकिफ हैं कि कौन है और क्या क्या काम करते हैं। माशाल्लाह इनके कामों से, इनकी भलाई कामों से तमाम गुलबर्गा जो है ना वाकिफ है कि आपके काम क्या है, तारुफ के मोहताज आप नहीं है। तो जब ऐसा ही इलेक्शन आएगा तो तब भी आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत होगी, थोड़ा सा तवज्जो के साथ में बैठे रहिएगा और आखिर तक पूरी चीज़ों को सुनिएगा। और आप लोगों से गुजारिश यही करने के लिए हम आए हैं कि आप AIMIM का सपोर्ट करें, AIMIM को जो है ना अपने कुवतों के साथ में, अपनी यूनिटी के साथ में, AIMIM को अक्सरियत के साथ में आने वाले इलेक्शन में जिता करके लेकर आने वाली जमात आज इसको क्या जरूरत है कि ये कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड और दिल्ली जैसे इलाकों का रुख कर रही है। तो भारत सरसुद्दीन अवंशी साहब ने जब 2004 में रुकन पार्लियामेंट हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये फैसला किया कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को हैदराबाद से लेकर दीगर रियासतों के अंदर ले जाया जाए, क्योंकि 70 बरस में जो कुछ सियासी जमातों ने हमारा इस्तेसाल किया, नुकसान किया, अब हम इन सेकुलरिज्म के नाम पर, इन नाम नेहाद सेकुलर जमातों के नाम पर या उनकी बेसाखी बनकर या उनको खांदा देकर लेकर चलने वाले नहीं है, बल्कि हम खुद एतमादी के साथ अपने सियासी जमात को मजबूत करेंगे, अपने उम्मीदवारों को ऐवान बल्दिया, ऐवान असेंबली और ऐवान पार्लियामेंट में पहुंचाएंगे और अपने मसायल को हल करेंगे। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सालार मोहतरम कहा करते थे कि सियासत में इसलिए हिस्सा लेती है कि जमहूरी मुल्क के अंदर उसकी बात सुनी और समझी जाती है जिसके पास सियासी ताकत और कुव्वत है।
आज आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के 300 अरकान पार्लियामेंट आने के बाद उन लोगों ने इस मुल्क का नक्शा ही नहीं बल्कि इस मुल्क के दस्तूर और कानून को भी बदल दिया। आज इस मुल्क की सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आज इस मुल्क के अंदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बनाए जा रहे हैं, खासतौर पर 6 दिसंबर 1992 के बाद जो इस मुल्क के अंदर मुसलमानों, अकलियतों, दलितों और हमारे मसाजिद बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जो मसाजिद को नशाना बनाया गया, जो मदारिस पर हमले किए गए, जो मदारिस में धावे किए गए और हिसाब किताब पूछा गया और दहशतगर्दी की तालीम देने का इल्जाम लगाया गया, फिर उसके बाद आपने देखा कि खासतौर पर 2014 जब बीजेपी की इक्तदार में हुकूमत आई, मरकज की हुकूमत, उसके बाद से नित नए कानून, नित नए मजालिम हमारे साथ हो रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने घर वापसी के नाम पर हमारे नौजवानों को मारा, हमारी तंजीमों को नशाना बनाया और मजहब की तब्दीली के नाम पर, कन्वर्शन ऑफ रिलीजन के नाम पर हमारे साथ जुल्म और ज्यादती करके मुकदमा दायर किए। फिर लव जिहाद के नाम पर हमारे नौजवानों को मारा गया, फिर वंदे मातरम वंदना सरस्वती कहा गया, फिर सूर्या नमस्कार कहा गया, फिर कहा गया कि कहो भारत माता की जय। फिर इसके बाद आपने देखा गौ रक्षक गौकशी के नाम पर जो कुरान में सूरह बकरा जो 486 आयत सबसे बड़ी कुरान की सूरत है उसमें खुद गाय का जिक्र आया है और जय चौपाओं को खाने का हुक्म दिया गया है, हमारे लिए जायज करार दिया गया है, लेकिन इस बीजेपी सरकार ने इसको कानून में बनाया, कानून बनाकर इसको इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और क्रिमिनल ऑफेंस करार देते हुए गाय कशी पर पाबंदी आयद की गई और झूठे इल्जाम के अंदर हमारे लोगों को मारा गया। मॉब लिंचिंग के नाम पर सबसे पहले दादरी में अखलाक अहमद को मारा गया, आप जुनेद को मारा गया, पहलू खां को मारा गया, रंजील को मारा गया, हरियाणा के अंदर 2 नौजवानों को मारकर झाड़ से लटका दिया गया। 857 से ज्यादा नौजवानों को सारे मुल्क के अंदर गावकशी के नाम पर मारा जा रहा है, ये हमारे साथ बदसुलूकी की जा रही है। उसके बाद सबसे बड़ा बदतरीन वाकया वो हुआ कि 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से फैसला आया और अगर इलाज ये कर दिया गया। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KVN University, Newsun Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, and by Smart Super Bazaar.